शिवपुरी जिला अस्पताल में सरदार भगत सिंह परमार्थ सेवा समिति द्वारा आज शाम लंगर का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के अटेंडरों ने लंगर का आनंद लिया। सरदार भगत सिंह परमार्थ सेवा समिति के सदस्य गुरप्रीत सिंह ने बताया, उसकी समिति कोरोना काल के पहले से लंगर का आयोजन करती आ रही है, जिसके बाद कोरोना काल में उन्होंने लंगर को बंद कर दिया, जहां आज फिर लंगर की शुरुआत की गई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। आज आपने जिला चिकित्सालय में आज लंगर लगाया, इसके बारे में बता दूंगा। हम पहले भी ना, कोरोना काल से पहले भी हम यहाँ लंगर की सेवा करते थे हर संडे। कोरोना काल की वजह से बीच में हमने स्टॉपेज कर दिया था। अभी फिर से भगत सिंह सेवा समिति और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहायता से हम फिर से संडे शुरू किया है। तो जितना हमसे हो सकेगा हर संडे हम लंगर लगाया करेंगे शाम जी। इसे कोरोना काल से पहले से कितने सालों से आप लंगर लगा रहे हैं? कम से कम 1.5-2 साल लंगर लगाया है जी। पर बात कोरोना काल की वजह से हमने अदर जगह पे लगाया, क्योंकि हॉस्पिटल में मना हो गया था, तो अब फिर हम यहाँ स्टार्ट। जो आज आपने लंगर वितरित किया, कितने लोगों का लंगर होता है? लगभग 200 आदमी खा चुके हैं, बाकी और खा रहे हैं अभी, बहुत है जी। क्या है लंगर में आपके? लंगर में दाल है जी, जो कि मरीजों के लिए, उनके संबंधियों के लिए अच्छी हो, और प्रसादा है, रोटी है, सादा रोटी। बता रहे हैं कि आपके लंगर में जो भी कोई भी राशि देना चाहे लंगर में आपके द्वारा, कोई भी सहायता करना चाहे या लंगर करवाना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते। आज किसकी तरफ से? आज तो हमारी समिति की तरफ से ही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।